नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भगवत मेहरा। गांव कटारपुर में संचालित विद्या देवी मेमोरियल हाई स्कूल की प्रिंसिपल सुदेश चौहान के बेटे वैभव ने उसी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर के साथ शारीरिक शोषण कर फरार हो गया। गांव धनपुरा निवासी एक दलित छात्रा ने प्रिंसिपल सुदेश चौहान के बेटे वैभव पर आरोप लगाया है कि वह उनके स्कूल में पढ़ाती है। वैभव काफी समय से डरा धमकाकर उसे गलत काम करने पर मजबूर करता था। मना करने पर भी वह उसका शारीरिक शोषण करता आ रहा था। परिजनों के साथ थाने में तहरीर देने की बात का पता चलते ही वह फरार हो गए। पुलिस ने महिला टीचर को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है तथा फरार आरोपी की तलाश कर रही है। हरिद्वार से अतुल कश्यप के साथ इदरीस खान की रिपोर्ट। धनपुरा निवासी एक लड़की के द्वारा धरना पत्र दिया गया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि विद्या देवी पब्लिक स्कूल कटारपुर में वर्ष 2015 से वहाँ पर पढ़ा रही थी। और पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर वैभव चौहान नाम का एक लड़का जो कार्यालय के काम देखता था और स्कूल मालिक का वो लड़का है, उसने जो उसे का कहना है कि वो अपने साथ हरिद्वार ले गई और हरिद्वार में होटल में रुके, वहाँ पर इस तरह गलत काम किया है। इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना प्रचलित है।